बुलंदशहर के कोतवाली सिटी में अतिरिक्त इंस्पेक्टर पद पर तैनात अजय यादव ने ताला नगरी के उद्यमी का किया अपहरण। अलीगढ़ स्थित फैक्ट्री से निकालकर इंस्पेक्टर ने उद्यमी के मुंह में डाली रिवॉल्वर। साथ में आए लोगों ने की मारपीट। इंस्पेक्टर व उसके साथ एक अन्य लोग उद्यमी को स्कॉर्पियो में डालकर ले गए। उद्यमी के किडनैपिंग की सूचना पर अलीगढ़ और बुलंदशहर के अधिकारियों के गनगनाने लगे फोन। अपहरण जैसे कृत्य की आला अधिकारियों को सूचना मिलने पर उक्त इंस्पेक्टर ने बीच रास्ते से स्कॉर्पियो वापस हरदुआगंज थाने पहुंचाई। थाने में गलत तरीके से झूठ बोलकर करा डाली आमद। बवाल बढ़ता देख उद्यमी को छोड़कर इंस्पेक्टर व सभी लोग हुए फरार। रुपयों के लेन देन में बिना किसी रवानगी के बादी पक्ष के साथ आया था इंस्पेक्टर अजय कुमार। जांच में आरोप सही पाए जाने पर बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह ने आरोपी इंस्पेक्टर अजय यादव को सस्पेंड कर दिया। उधर अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने में इंस्पेक्टर अजय कुमार समेत 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना कोतवाली नगर पर तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार को कल निलंबित किया गया है। इनके संबंध में ये अवगत कराना है कि इंस्पेक्टर अजय कुमार थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1398/21 जो 16/9/21 को पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग के विवेचक थे और इसमें जो अभियुक्त थे वो अभिषेक तिवारी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध लगभग 660,000 रुपये का चेक बाउंस होने का एक मुकदमा बुलंदशहर कोतवाली नगर के एक वादी राजीव कुमार शर्मा के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे की विवेचना में बिना वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश अनुदेश प्राप्त किए, बिना अनुमति ये अपने थाने से रवानगी करके गए थे। चूँकि ये प्रकरण इस तरह का था जिसमें 7 साल से कम की सजा है, गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है और इस प्रकरण में उन्हें 41 की नोटिस दे करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। माननीय उच्च न्यायालय के भी इस तरह के आदेश हैं, लेकिन बिना वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाए जनपद को छोड़ना और ऐसे प्रकरण में जिसमें जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तथा जिसमें गिरफ्तारी के प्रावधान नहीं है, अकारण जा करके कथित अभियुक्त को हिरासत में लेना, टॉर्चर करना, इस तरह के आरोप इनके विरुद्ध लगाए गए थे। प्राथमिक जांच कराने पर ये आरोप सही पाए गए, फलतः इंस्पेक्टर अजय कुमार को निलंबित कर दिया गया है।